वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम असीम कुमार मंडल एज अ फिजिक्स टीचर टेकिंग द न्यूमरिकल्स ऑफ द चैप्टर नो चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 फिजिक्स. चेक वेदर दीज इक्वेशन, डिमांड ऑफ क्वेश्चन, चेक वेदर दीज इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, यस और नो. दैट मीन्स वी हैव टू चेक आउट 1/2 एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल ऑफ एम जी एच, यस और नो. वाट इज द मीन ऑफ द एम, एम दैट मीन्स अ सिंबल ऑफ मास. V that means a symbol of velocity, G that means a gravity, acceleration due to gravity, and H that means a height. ठीक है, how we solve student? ठीक है, solution is there. ठीक है, आपको यहाँ पर कौन कौन से word दिख रहे हैं? ठीक है, M, V, G and H. M that means, what is the mean of the M? M that means a mass. V that means a velocity. G that means a acceleration due to gravity, and finally H that means a height. ठीक है, next student ध्यान से देखेंगे, we need the dimension formulas. ठीक है, ध्यान से देखिए student, dimension formula, dimensional formula ऑफ एम, एम दैट मीन्स अ मास. अगर जो मैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एम दैट मीन्स अ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एम की मास की बात करूँ, मास रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, बट इन द केस ऑफ द वी, वी दैट मीन्स अ वेलोसिटी विल बी इक्वल ऑफ एल टी माइनस वन. यू नो दैट व्हाट इज द मीन ऑफ द वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. Displacement that means a L time denoted by T. Next one, acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity that means acceleration will be equal of LT minus 2. And finally H, what is the mean of H? H that means a height. मैंने आपको introduction में बता दें, in the case of the length, width, height, depth, स्लेंट हाइट, बोथ आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एल. ठीक है स्टूडेंट, बाय यूज ऑफ एलएचएस, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, एलएचएस, ठीक है, एलएचएस विल बी इक्वल ऑफ 1/2 एम वी स्क्वेयर. इन द केस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं तो हम 1/2 एक कॉन्स्टेंट तो उसको छोड़ देंगे, एम दैट मीन्स अ कैपिटल एम, और V that means L T minus 1 whole square that means M L to the power 2 and T to the power plus minus minus 2, equation number first. Now we taking the RHS. RHS that means M G H. What is the mean of the M? M that means mass. ठीक है, मास को अभी हमने रिप्रेजेंट करा बाय द कैपिटल एम, एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय एल टी माइनस टू, एंड एच डिनोटेड बाय एल. स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, एम दैट मीन्स अ एम, बट इन द केस ऑफ एल, एल पावर वन एंड पावर वन विल बी इक्वल ऑफ पावर टू एंड टी टू द पावर माइनस टू, इक्वेशन नंबर टू. बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, इफ ध्यान से देखिए स्टूडेंट, दोनों इक्वेशन के आर एच एस, ठीक है, क्या है, इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ 1/2 एम वी स्क्वेयर विल बी इक्वल ऑफ एम जी एच. रिकॉल करूँगा थोड़ा सा, ध्यान समझिए, वी हैव टू प्रूफ 1/2 एम वी स्क्वेयर इक्वल टू एम जी एच, वेयर एम दैट मीन्स अ मास, वी दैट मीन्स अ वेलोसिटी, जी दैट मीन्स अ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच दैट मीन्स अ हाइट. मैंने सभी के डायमेंशन फॉर्मूले निकाल लिए, ठीक है, एल एच एस में पुट करा, देन वी गेटिंग सोल्यूशन एम एल टू टी माइनस टू, आर एच एस में पुट करा, देन वी गेटिंग एम एल टू टी माइनस टू, बोथ आर सिमिलर, सो वी कैन से 1/2 एम वी स्क्वेयर विल बी इक्वल ऑफ एम जी एच. हाँ स्टूडेंट, नाउ वी टेकिंग द अनादर एग्जाम्पल, व्हाट इज द डिमांड ऑफ क्वेश्चन इन एसआई सिस्टम. Which type of system? Standard international symbols. In SI system, the value of G, what is the mean of the G? G that means a universal gravitational force.
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जी आर अवेलेबल इन फिजिक्स, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ठीक है, आपके लिए बड़ी जी और छोटी जी। कैपिटल जी दैट मीन्स अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट एंड स्मॉल जी दैट मीन्स अ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी विल बी इक्वल ऑफ 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर। यू नो दैट वेरी वेल अकॉर्डिंग टू द एसआई सिस्टम। बट यूजिंग द डायमेंशनल मेथड, यूजिंग द डायमेंशनल मेथड कन्वर्ट इट इंटू सी जी एस सिस्टम। पहले तो सर हम इस क्वेश्चन को समझेंगे कि आखिर ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन सिंपली ये बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ जी इन एसआई सिस्टम विल बी इक्वल ऑफ 6.67 × 10⁻¹⁻ और मुझे इसको कन्वर्ट करना है सी जी एस सिस्टम में। व्हाट इज द मीन ऑफ द सी जी एस सिस्टम, दैट मीन्स द सेंटीग्राम। ठीक है, ये पढ़ा है ना आपने, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। तो हाउ वी कैलकुलेट, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कुछ बातों को हमको ज़रूरत पड़ेगी, उसको मैंने आपको नोट कर दिया है। ठीक है, इन द केस ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूला वी नो दैट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल जी विल बी इक्वल ऑफ, ठीक है, विल बी इक्वल ऑफ m^-1, l^3, and t^2। ठीक है, अब इसको मन में कंपेयर कीजिए आप। किससे कंपेयर करेंगे स्टूडेंट, m^a, l^b, and t^c। ठीक है, क्वांटिटीज दैट मीन्स सच दैट a विल बी इक्वल ऑफ -1, b विल बी इक्वल ऑफ +3, एंड c विल बी इक्वल ऑफ 2। ठीक है स्टूडेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n1, n1 will be equal of 6.67 × 10⁻¹⁻। आप सोच रहे होंगे सर what is the mean of the n1 and n2। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, जब भी आपको किसी सिस्टम को किसी और सिस्टम में कन्वर्ट करना है, इन द केस व्हेन एसआई सिस्टम कन्वर्ट इनटू सीजीएस, सीजीएस कन्वर्ट इनटू एमकेएस, एमकेएस कन्वर्ट इनटू, दैट मीन्स अ वन सिस्टम कन्वर्ट इनटू अनदर सिस्टम, वी यूज द फॉर्मूलाज n2 will be equal of n1 m l t that means a time। so student take a m1 by m2, l1 by l2, and t1 by t2, whole power will be equal of a, will be equal of b, will be equal of c। आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, एस आई सिस्टम कन्वर्ट इन टू सी जी एस सिस्टम। स्टूडेंट वी हैव टू फोकस, एस आई सिस्टम कन्वर्ट इन टू सी जी एस सिस्टम, मतलब कहीं ना कहीं एस आई सिस्टम न्यूमरेटर है और सी जी एस सिस्टम डिनोमेटर है। याद रखिएगा आप हर एक चीज को, ठीक है, अदरवाइज आप गलत कर लेंगे। ठीक है, n1 and n2, n1 दैट मीन्स आ, ठीक है, आपको जो वैल्यू दी है, और n2 मतलब जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, सच दैट n2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नाउ m1 by m2, स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, व्हाट इज द मीन ऑफ द m, m दैट मीन्स अ मास। ठीक है, m दैट मीन्स अ मास, मतलब कहीं ना कहीं आप ये तो समझ गए m मतलब क्या होता है हमारे लिए मास। तो एसआई सिस्टम में, ठीक है, मास दैट मीन्स अ kg, आई होप। ठीक है, और आपको बदलना है सी जी एस सिस्टम में, सी जी एस जैसा कि आपको बता रहा हूँ सेंटीमीटर ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा 1 ग्राम। ठीक है, अब मुझे आप बताइए बिल्कुल छोटी सी बात, 1 किलोग्राम विल बी इक्वल ऑफ 1000 ग्राम, ठीक है, अपॉन में 1 ग्राम, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप मुझे बताएंगे ग्राम विल बी कैंसल बाय ग्राम, दैट मीन्स 1000 विल बी इक्वल ऑफ हाउ मच, 10⁻¹³। आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग, ठीक है, 10⁻³। नाउ सेकेंड वन इज द l1 by l2। ठीक है, l दैट मीन्स अ लेंथ, l दैट मीन्स अ लेंथ, लेंथ ऊपर क्या है एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में लेंथ कितना होता है सर जल्दी से मुझे बताइए। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, मीटर, 1 मीटर, बट इन द सीजीएस सिस्टम लेंथ दैट मीन्स अ सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर।
सर सेंटीमीटर और मीटर कितना रिलेशन होता है? 1 मीटर विल बी इक्वल ऑफ 100 सेंटीमीटर अपॉन में 1 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर विल बी कैंसल आउट फ्रॉम द सेंटीमीटर, दैट मीन्स अ 100. और 100 हाउ मेनी जीरोज आर देयर? 2 जीरोज, दैट मीन्स अ 10 to the power 2. नाउ वी टेकिंग द थर्ड पार्टी T1 and T2. यू नो दैट टी दैट मीन्स टाइम. सो इन द एसआई सिस्टम टाइम रिप्रेजेंटेड बाय सेकेंड. एंड ऑल्सो ठीक है, इन CGS सिस्टम यू नो दैट इन द MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम एंड SI सिस्टम टाइम ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द सेकेंड. सो ठीक है, सेकेंड बाय कैंसल सेकेंड, सो 1. ठीक है, अब इन तीनों वैल्यूज को हम पुट कर देंगे वहां पर. सो N2 विल बी इक्वल N1 दैट मीन्स 6.67 इंटू 10 to the power -11. सर M1 by M2 विल बी इक्वल ऑफ 10 to the power 3. ठीक है, L1 by L2 विल बी इक्वल ऑफ 10 to the power 2 एंड T1 by T2 विल बी इक्वल ऑफ 1. ए वाट इज द मीन ऑफ द ए दैट मीन्स आर 10 to the power -1. बी दैट मीन्स आर 10 to the power 3 और ये कितना हो चुका है स्टूडेंट 2. सो N2 विल बी इक्वल ऑफ 6.7 इंटू 10 to the power -11. ठीक है, 10 to the power ±, ठीक है, 3 2 6 इंटू 1. स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, सो N2 इक्वल टू 6.7 इंटू 10 to the power -11 ±, तो ये कितना हो चुका है 10 to the power 3. तो N2 will be equal of 6.7 into 10 to the power ±11. ठीक है, 11 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, will be equal of -8. ठीक है, आई होप यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन. मैं एक बार और क्वेश्चन को रिकॉल कर देता हूँ. इन एसआई सिस्टम वी हैव द वैल्यू ऑफ जी दैट मीन्स अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट विल बी इक्वल ऑफ 6.67 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोम के जी स्क्वेयर. वी हैव टू चेंज एसआई सिस्टम इंटू CGS सिस्टम. तो सर एसआई सिस्टम बेस्ड ऑन CGS सिस्टम दैट मीन्स अ न्यूमरेटर इन द फॉर्म एसआई, CGS इन द फॉर्म ऑफ डिनोमेटर. ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी विल बी इक्वल ऑफ M to the power -1. ठीक है, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ये कहाँ से आया सर? ये हमारे पुराने वीडियोस जब आप देखेंगे, ठीक है, स्टडी अबाउट द डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आपको ये मेथड मिल जाएगी. ए विल बी इक्वल ऑफ -1, बी विल बी इक्वल ऑफ +3 एंड सी विल बी इक्वल ऑफ +2. ठीक है, हमको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है. ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड आउट M1 by M2, L1 by L2 एंड T1 by T2. ऊपर जो वैल्यू है वो एसआई सिस्टम में और नीचे जो वैल्यू है वो CGS सिस्टम में है. ठीक है, सबको हमने 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. यहाँ पर मैं 1 या तो 10 to the power 0 भी बोल सकता था, डिपेंड्स ऑन मी. ठीक है, या तो 1 लिखूँ या तो 10 to the power 0. नाउ वी पुटिंग द वैल्यूज ऑफ द M1 by M2, L1 by L2 एंड T1 by T2 इन द प्लेसेस ऑफ, ठीक है, बहुत. ठीक है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड सब करा हमने, देन वी गेटिंग द N2 विल बी इक्वल ऑफ 6.67 इंटू 10 to the power -8. मतलब कहीं ना कहीं, ठीक है, हमारे पास कितना हो चुका फॉर्मूला. ठीक है, अब सर अगर जो मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, तो सर एसआई यूनिट में ये जो लिखा हुआ मीटर, तो मीटर की जगह कितना जाएगा सेंटीमीटर, इन द प्लेस ऑफ केजी कितना जाएगा ग्राम. हाँ स्टूडेंट, नाउ वी टेकिंग द अनदर क्वेश्चन. स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विल बी इक्वल ऑफ 332 मीटर पर सेकेंड, नॉट मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज द मीन ऑफ द मीटर पर सेकेंड? दैट मीन्स अ एसआई यूनिट. ठीक है, यूजिंग डायमेंशनल मेथड. कौन सी मेथड यूज करना है? बाय यूज ऑफ द डायमेंशनल वी कैन कन्वर्ट फाइंड इट्स वैल्यू इन किलोमीटर पर आवर. दैट मीन्स अ मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट इंटू किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, सॉल्यूशन इज देयर. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है स्टूडेंट, एज यू नो दैट व्हाट इज द मीन ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, दैट मीन्स अ वेलोसिटी. एंड एसआई एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी विल बी इक्वल ऑफ LT-1, दैट मीन्स M2 the power 0
एल टू द पावर वन एंड टू टू द पावर माइनस वन. वी हैव टू कंपेयर विथ एम टू द पावर ए, एल टू द पावर बी एंड टी टू द पावर सी, सच दैट मे बी राइट इन द फॉर्म सच दैट ए विल बी इक्वल ऑफ जीरो, बी विल बी इक्वल ऑफ वन एंड सी विल बी इक्वल ऑफ माइनस वन. फर्स्ट स्टेप ऑफ क्वेश्चन, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड विल बी इक्वल ऑफ एल टी माइनस वन, मे बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एम टू द पावर जीरो, एल टू द पावर वन, टी टू द पावर माइनस वन, कंपेयर विद द एम ए टू द पावर ए क्वांटिटी. सो ए विल बी इक्वल ऑफ जीरो, बी विल बी इक्वल ऑफ वन एंड सी विल बी इक्वल ऑफ माइनस वन. ठीक है, वी नो दैट अबाउट द फॉर्मूला, कन्वर्जन फॉर्मूला, एन टू विल बी इक्वल ऑफ एन वन. ठीक है, एम वन बाय एम टू इंटू एल वन बाय एल टू एंड टी वन बाय टी टू पावर विल बी इक्विवेलेंट ऑफ ए बी सी. स्टूडेंट ठीक है, हियर एन वन, व्हाट इज द मीन ऑफ द एन वन? एन वन विल बी इक्वल ऑफ 332 मीटर पर सेकेंड एंड एन टू विल बी इक्वल ऑफ क्वेश्चन मार्क. वी हैव टू कन्वर्ट, वी हैव टू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड इन किलोमीटर पर आवर. हाँ स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी तक बताया, एन वन विल बी इक्वल ऑफ 332. ठीक है, एन टू विल बी इक्वल ऑफ क्वेश्चन मार्क. आप ये सोच रहे होंगे सर, व्हाट इज द मीन ऑफ द एन वन एंड एन टू? ठीक है, यू नो दैट अबाउट द फॉर्मूला. ठीक है, एन टू विल बी इक्वल ऑफ एन वन या एन वन विल बी इक्वल ऑफ एन टू. ठीक है, एन टू इक्वल टू एन वन, यहाँ पर आता है एम. ठीक है, देन एल एंड फाइनली वी गेटिंग द टी. ठीक है, एम बाय एम, एल बाय एल, टी बाय टी, दैट मीन्स अ वन वन, टू टू. ठीक है, एंड एम वन एम टू एल वन एल टू एंड टी वन टी टू होल पावर ए बी सी. स्टूडेंट ध्यान से देखिए, वी हैव टू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड इनटू द फॉर्म ऑफ किलोमीटर पर आवर. ठीक है, मीटर एंड किलोमीटर रिप्रेजेंट द लेंथ एंड सेकेंड एंड आवर रिप्रेजेंट द टाइम. मतलब कहीं ना कहीं, ठीक है, जब मैं एम वन अपॉन एम टू के बारे में बात करूँगा तो एम मुझे कहीं ना कहीं, बात समझिएगा बिल्कुल इजी तरीके से, ठीक है सर, मुझे लेंथ में फंक्शन है, मतलब मुझे मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है. ठीक है, यस और नो? अगर जो मैं टी वन और टी टू रेशो को देखूं तो वी हैव टू कन्वर्ट सेकेंड इनटू आवर, बट एम वन एम एम टू नहीं है, सो वी टेक विल बी इक्वल ऑफ वन. आपको मेरी बात समझ आई? ठीक है, वी हैव टू चेंज मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर. इन द केस मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर, कहीं पर भी मास की वही बात हो रही है क्या? नहीं. सो एम वन अपॉन एम टू विल बी इक्वल ऑफ वन. नाउ मीटर विल बी कन्वर्ट इनटू किलोमीटर, सो वन मीटर, वन किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर. मीटर विल बी कैंसल बाय मीटर, सो वन बाय 1000 विल बी इक्वल ऑफ 10^-3. नाउ वन सेकेंड अपॉन में कितना है स्टूडेंट? वन आवर. वन आवर दैट मीन्स अ 60 मिनट, बट ईच मिनट कंसिस्ट द 60 सेकेंड. सो सेकेंड कैंसल बाय सेकेंड विल बी इक्वल ऑफ, ठीक है, 60 × 60 विल बी इक्वल ऑफ 36. ठीक है, ये सारी वैल्यू को हम वहाँ पर पुट कर देते हैं. ठीक है, सो टी टू विल बी इक्वल ऑफ टी वन, टी वन दैट मीन्स 332. एम वन बाय एम टू विल बी इक्वल ऑफ वन. ठीक है, होल पावर ए, ए दैट मीन्स 0. ठीक है, एल वन बाय एल टू, एल वन बाय एल टू विल बी इक्वल ऑफ 10^-3. होल पावर बी, बी दैट मीन्स 1. एंड टी वन बाय टी टू, टी वन बाय टी टू विल बी इक्वल ऑफ 1/3600 एंड होल पावर सी, दैट मीन्स माइनस वन. स्टूडेंट बी केयरफुल, एन टू विल बी इक्वल ऑफ 332. दुनिया में किसी की भी पावर जीरो दैट मीन्स 1, तो मैं इसको कितना लिख सकता हूँ? 1 × 10^-3 एंड, ठीक है, 36, 1/36, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, 10^1 एंड 1 2 होल पावर माइनस वन. मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, 332
टेन टू द पावर माइनस थ्री, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर टेन टू द पावर माइनस टू है, बट ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, टेन टू द पावर प्लस टू। वन मोर टाइम, प्लस माइनस माइनस टू, माइनस टू जैसे ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस टू होल अपॉन वन बाई थर्टी सिक्स। अगर जो हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को जब सोल्व करेंगे, दैट मीन्स मैं आपको थोड़ा सा और कर देता हूँ, थ्री थ्री टू डिवाइड बाई थर्टी सिक्स इंटू प्लस माइनस माइनस वन, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यू गेट द प्रॉपर सोल्यूशन 1195.2। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको फिर से बता दूँ, ठीक है, यूनिट विल बी इक्वल ऑफ किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या थी क्वेश्चन की डिमांड, वी हैव टू कन्वर्ट मीटर पर सेकंड इनटू द फॉर्म ऑफ किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड दैट मीन्स अ वेलोसिटी विल बी इक्वल ऑफ एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन दैट मीन्स अ एम जीरो एल वन टी माइनस वन, ए टू द पावर जीरो, बी टू द पावर वन, सी टू द पावर माइनस वन, कंपेयर करा हमने। ठीक है, एन वन विल बी इक्वल ऑफ 332, वी हैव टू फाइंड एन टू, एम वन बाई एम टू इक्वल्स टू वन, क्यों, क्योंकि इन दोनों कंडीशन में कहीं पे भी मास रिप्रेजेंटेटर नहीं है। एल वन एल टू, एल वन दैट मीन्स अ मीटर, एल टू दैट मीन्स अ किलोमीटर, टी वन दैट मीन्स अ सेकेंड, टी टू दैट मीन्स अ आवर। ठीक है, किलोमीटर कन्वर्ट इंटू मीटर एंड आवर कन्वर्ट इंटू सेकेंड, हमने ये जो वैल्यूज है, ठीक है, एम वन बाई एम टू, एल वन बाई एल टू, टी वन बाई टी टू, ए बी सी एंड एन वन सभी को पुट करा, देन वी सोल्व एंड गेटिंग एन टू विल बी इक्वल ऑफ 1195.2 किलोमीटर पर आवर। आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग द प्रॉपर सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल ऑफ शांति बनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा।